हेलो फ्रेंड्स, आपका द साइक चैनल में अगेन स्वागत है और मैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, कंसल्टेंट साइकेट्रिक सोशल वर्कर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, कल्पना चावला से। सोना क्यों इम्पोर्टेंट है, नींद क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, इस विषय पे हम बात करेंगे। और कैसे हम, क्या आपको भी नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, स्लीप की डिस्टर्बेंस है, हम इस विषय पे बात करेंगे। अगर स्लीप की डिस्टर्बेंस है तो क्या करें, क्या करना चाहिए। देखिए, स्लीप हमारे साइकोलॉजी के लिए, हमारे साइकेट्री के लिए, हमारे मनोदशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर किसी को नींद की दिक्कत है, मतलब कहीं ना कहीं उसके जीवन में देयर इज समथिंग स्ट्रेस इन द लाइफ, कुछ ना कुछ ऐसा टेंशन है, उसकी रूटीन नहीं ठीक है, जिसकी वजह से उसको नींद की दिक्कत है। So, ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। नींद के लिए हमें कई चीजें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी है। जैसे क्या क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहली बात कि जिस बेड पे आप सोते हो, जिस भी बेड पे आप सोते हो, आपको उसकी बेडशीट हर अल्टरनेट डेज पर चेंज करनी है। नंबर टू, आपको सोने से पहले हाथ पैर साफ करके तब सोने जाना है, मतलब क्लीनलेस पे ध्यान देना है। नंबर थ्री, आपका जो नींद होगा 7 to 8 hours का नींद होना चाहिए एवरी डे में, ठीक है। कोशिश करना एट अ वन गो होना चाहिए। अगर आप रात में मान लो 11 बजे सोते हो तो एटलीस्ट आपको 6 बजे तक सुबह सोना है, तो 7 घंटे का पीरियड पूरा हो जाए। सो 7-8 घंटे की नींद एक गुड स्लीप मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने टाइम टेबल फिक्स करना है स्लीप का। कई बार आपने देखा होगा कोई 10 बजे रात में सो रहा है, कभी 9 बजे रात में सो रहा है, समवन इज स्लीपिंग एट 11। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, यू हैव टू फिक्स द टाइम, ठीक है। आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि अगर इफ यू आर स्लीपिंग एट 11 देन डेफिनेटली आपको उस हर रोज कोशिश करना है कि आप 11 बजे तक सो जाए। उससे क्या होगा कि स्लीप का पैटर्न सुधर जाएगा। जब भी सोने जाते हैं, जो अमूमन आजकल देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, फोन चला रहे होते हैं, मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि उस समय पर फोन का यूज नहीं करना है, लाइट्स ऑफ रखनी है और किसी तरह का कोई साउंड नहीं होना चाहिए, लाइक मोबाइल, टीवी या समथिंग म्यूजिक। तो कोशिश करना है कि हमें लाइट, टीवी, मोबाइल, इन चीजों को बंद रखना है ताकि सोते समय कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होगा तो अगेन आपके स्लीप में डिफरेंसेस आएंगे। तो आपको नींद के समय पे इन बातों का ध्यान रखना है। और क्या करना है, हाथ पैर को साफ करके सोने की कोशिश करें, मतलब जब भी सोने जाए हाथ पैर को क्लीन कर लें, सो करके तब सोने जाए। और क्या कर सकते हैं कि जो हमारा खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं रात में, कई बार लोग बेड पे खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें बेड पे खाना नहीं खाना है, हमें अपने टेबल पे खाना है, या जहां भी आप बैठ के खाते हैं, जमीन पे, टेबल पे, वेर एवर, ठीक है, लेकिन बेड पे नहीं खाना है, ठीक है। तो कुछ एक बातें इनका ध्यान रखना है, नींद नहीं आती है तो आपको उठ के नहीं बैठना है, कुछ खाने नहीं लगना है, घूमने नहीं जाना है, इस बात का ध्यान देना है। आपको सिर्फ करवट लेना है, बिकॉज नींद जो होती है, स्लीप जो होता है, वो एक बिहेवियरल प्रैक्टिस है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कोशिश करेंगे, अगर नींद नहीं आती है तो करवट ले और उठ के ना घूमे, उठ के ना बैठे। उससे क्या होगा, एक दिन, दो दिन, चार दिन, उसके बाद धीरे धीरे आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, ठीक है। किसी तरह का कोई नशा नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है कि कई बार होता है ना, लोग स्मोकिंग कर लेते हैं, लोग अल्कोहल का यूज करते हैं कि नींद नहीं आ रही, दवाओं का यूज करते हैं। जब तक कि कोई प्रिस्क्राइब्ड ना करे, आपको ऐसे कोई मेडिसिन नहीं लेनी है स्लीप के लिए। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन यू हैव टू मीट द साइकेट्रिस्ट, ठीक है। और साथ साथ आपको ये जो स्लीप हाइजीन, वॉट एवर आई एम टेलिंग, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फॉलो करना है, ठीक है। सो कुछ एक पैरामीटर्स और हैं, लाइक कि आपको जो स्लीप दिन में कोशिश करिए कम से कम सोए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, लाइक वॉकिंग करो, सुबह शाम की वॉकिंग करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो,
उससे क्या होगा, आपकी आपका स्ट्रेस नहीं होगा, आपको स्ट्रेस से रिलीज होगा, और जैसे जैसे आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आपकी स्लीप पैटर्न अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ एक बातें हैं जिसके साथ हम अगर फॉलो करते हैं तो हमारी नींद का पैटर्न अच्छा हो जाएगा। और नींद सही है, स्लीप सही है, तो आपको पता है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो इतना हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इसको प्लीज फॉलो करें, अपनी रूटीन में लेके आए, स्लीप हाइजीन को मेंटेन करें। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें हमें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हमसे जुड़ के रहें। थैंक यू सो